व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और काम की चीज़ बताने वाला हूँ। आपको तो मालूम ही है दोस्तों कि सब जगह पर इस वक्त लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है, और ख़ास तौर से दोस्तों अगर मैं हमारी कंट्री की बात करूँगा, हमारे इंडिया की कंट्री की, तो यहाँ पर आपको मालूम ही है कि पूरा इंडिया जो ना लॉकडाउन है और किस तरीके की सिचुएशन हो रही है कोरोना वायरस की वजह से। और दोस्तों दिन ब दिन जो है ना वो सिचुएशन ख़राब ही होती जा रही है, मतलब सुधरती तो क्या, दिन ब दिन सिचुएशन ख़राब ही होती जा रही है। और ऐसी सिचुएशन में जो लोगों को घर पे बैठना हो रहा है, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी प्रोडक्टिव चीज़ें भी होती हैं, काफ़ी सारे जो है ना वो क्रिएटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी दोस्तों मैं आपके सामने लेके आया हूँ 7 ऐसी यूज़फुल एप्लीकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेशन है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। साथ ही साथ एप्लीकेशन को आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन को नहीं ट्राई किया है। तो हो सकता है इसमें से कोई एप्लीकेशन आपको मालूम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई एप्लीकेशन आपको नहीं मालूम है, लेकिन 95% एप्लीकेशन ऐसी है जो ऑब्वियसली आपको नहीं मालूम है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, इन 7 एप्लीकेशन में जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है भीम UPI एप्लीकेशन। अब दोस्तों आपको तो मालूम ही है और ज़्यादातर लोगों को मालूम ही है कि भीम UPI एप्लीकेशन वो एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, मतलब आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बैंक अकाउंट्स में जो है ना पैसे सेंड कर सकते हो और इवन रिसीव भी कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो पैसे के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हो। और आपको तो मालूम ही है आज के टाइम पे जो ना दोस्तों वो डिजिटल इंडिया हो चुका है, मतलब कहीं कहीं पर तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इसीलिए दोस्तों फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसी एप्लीकेशन है। अब दोस्तों आप यहाँ पर बोलोगे कि यार इसमें कौन से नहीं बात है, क्योंकि ये चीज़ तो फ़ोन पे में भी होती है और गूगल पे में भी होती है। तो गाइज मार्क माय वर्ड्स, मैंने कहा था गवर्नमेंट एप्लीकेशन। गाइज जो लिस्ट में दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन हमारे पास में है वो है उमंग एप्लीकेशन, जो कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो ना वो अलग अलग सर्विसेज इस एप्लीकेशन में लिस्टेड है, आप वन बाय वन जो ना उन सर्विसेज को इसमें देख सकते हो, और यहाँ पर जाके जो भी उसकी एक्टिविटी है आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, जो भी है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, 200 नहीं, बल्कि टोटल 600 गवर्नमेंट की सर्विसेज आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाती है। तो ये एप्लीकेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो आप इसको डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मैं भी जो है ना पर्सनली इस एप्लीकेशन को यूज़ करता हूं और काफ़ी सारी चीज़ों से जो है ना दोस्तों मुझे इस एप्लीकेशन में बहुत फ़ायदा हुआ है। जो अगली एप्लीकेशन लिस्ट में हमारे पास में है वो है माय गवर्नमेंट एप्लीकेशन। दोस्तों ये एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें भी जो है ना आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग एक्टिविटीज़, न्यूज़, फीडबैक्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हो होम पेज पे इसकी पूरी लिस्ट मौजूद है। वहीं पर कोरोना वायरस से रिलेटेड भी जो है ना दोस्तों इसमें आपको काफ़ी सारे अपडेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो है ना डिस्कशन का भी कॉलम है, तो जो अलग अलग एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, आप वहाँ पर जाके अपने खुद के आइडियाज़ जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ में शेयर कर सकते हैं, मतलब जो भी ऑफिशियल्स रहेंगे उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना दोस्तों आपको इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रजिस्टर नहीं किया है, इसकी वजह से मुझे रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप रजिस्टर कर लेना, और उसके बाद में दोस्तों आप अपने आइडियाज़ भी इस एप्लीकेशन में शेयर कर सकते हो। ओके, तो गाइज ये एप्लीकेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद एप्लीकेशन है, और मुझे पर्सनली दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत पसंद आई है। ये है ई हॉस्पिटल एप्लीकेशन गवर्नमेंट की तरफ से। तो जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करोगे, इसमें रजिस्टर करोगे, तो आपको काफ़ी सारे टैब्स दिख जाते हैं, जिसमें से ऑब्वियसली एक टैब ऐसा है जहाँ पर आप एम्स हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो घर बैठे। और इसी के साथ में दोस्तों दूसरी साइड में दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ऑब्वियसली इस एप्लीकेशन में से आप मेडिसिन भी ऑर्डर कर सकते हो, काफ़ी अच्छे प्राइजेस में आपको मेडिसिन यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये एप्लीकेशन दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस एप्लीकेशन में भी एक्सप्लोर करने के लिए। गाइज जो अगली एप्लीकेशन है वो एक बिजनेस पर्सनल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद एप्लीकेशन है, इसका नाम है GST फाइंडर। सो एज द नेम सजेस्ट, GST फाइंडर एप्लीकेशन, इसमें आप देख सकते हो कि GST जो है ना वो कौन से प्रोडक्ट पे, किस चीज़ पे कितना GST लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियसली दो तरीके हैं, आप जाने के बाद होम पेज के ऊपर क्विक सर्च कर सकते हो, वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट एंटर करके आप उसकी डिटेल्स पूरी चेक कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों आप लिस्ट में भी चले जाओ और उस लिस्ट में से भी जाके आप वो प्रोडक्ट की डिटेल्स देख सकते हो, मतलब वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये एप्लीकेशन भी जो है ना दोस्तों वर्थ एक्सप्लोरिंग है। गाइज जो अगली एप्लीकेशन है वो है RTI एप्लीकेशन, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेशन। दोस्तों इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अलग अलग गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है ना वो डायरेक्टली RTI एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो।
तो गाइज़ ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से जो है ना वो कोई भी डिपार्टमेंट में RTI एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों इस एप्लीकेशन में ही आपने जो RTI फाइल की है उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। फाइनली गाइज जो आखिरी एप्लीकेशन के बारे में मैं आपसे बताने वाला हूँ, ये भी जो है ना दोस्तों ये टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम है ई पाठशाला। तो गाइज ये एप्लीकेशन क्या है कि जैसे ही आप इसमें लॉग इन करेंगे आपको रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद में आपको ये पूछेगा कि आप स्टूडेंट हो टीचर हो मतलब किस लिहाज से जो है ना इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करना चाहते हो। और अगर आप एंटर करोगे स्टूडेंट तो वहाँ पर दोस्तों आपका नाम पूछेगा, आपका स्कूल का नाम कॉलेज का नाम जो भी वो पूछेगा, फिर आपका ग्रेड पूछेगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो ग्रेजुएट हो टेंथ हो या स्कूलिंग में हो जहाँ पर भी हो। और उसके बाद में वो सब इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में आपको इसमें ई बुक का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इसमें ई बुक्स रीड कर सकते हो और साथ ही में इसमें आपको ऑडियो लेक्चर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी शायद इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं क्योंकि मैंने अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं किया हूँ। आप ज़रूर इस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर लेना। और इसी के साथ में दोस्तों जो टीचर्स का कॉलम है उसमें भी दोस्तों अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो ये ई पाठशाला जो एप्लीकेशन है ये ऑब्वियसली टीचर्स स्टूडेंट्स इन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या अगर आप एक टीचर हो तो इस एप्लीकेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल सकती है। तो गाइस यही थी वो टोटल 7 ऐसी एप्लीकेशंस हमारी तरफ से जो कि गवर्नमेंट इंडिया एप्लीकेशन थी, बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो इस लॉकडाउन में आप इन एप्लीकेशंस को ज़रूर यूज़ कीजिए अपने घरों में बैठकर। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये जो भी 7 एप्लीकेशंस है दोस्तों ये लिस्ट की है डिजिटल इंडिया के ट्विटर हैंडल पे। तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से निकाल के बोल रहा हूँ, डिजिटल इंडिया के ट्विटर हैंडल के ऊपर ये एप्लीकेशंस लिस्ट हुई हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जो भी आपका सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट है आप प्लीज़ वहाँ पर शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें। आप हमारी वीडियोज़ को शेयर करेंगे लाइक करेंगे अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और ज़्यादा वीडियोज़ जो दोस्तों अपने चैनल के ऊपर डालें। और जो भी दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अगर अभी तक बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के अपडेट्स आपको टाइमली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।